गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, दिल 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 दुख दुख होगा, दुख दुख हो रहा है, इसका मतलब टेंशन है आपको। स्ट्रेस होना इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि आप सिंसियर हैं एग्जाम के लिए, लेकिन ये सिंसियरिटी आपको कैसे मेंटेन करनी है? अपना जो दुख दुख हो रहा है आपका, आपको जो इस टाइम टेंशन हो रही है, जो स्ट्रेस हो रहा है, उसे बस कंट्रोल करना है, ठीक है? जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपको बहुत कुछ सिखा के आते हैं एक बार में। ये आपको सिखाते हैं कि टाइम लिमिट के अंदर कैसे चीजों को कंप्लीट करा जाए, और उसमें सबसे बड़ी चीज अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है ना, तो आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कभी ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच में इंसान झूलता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसीलिए अपने आपके जो इमोशंस है वो कंट्रोल करना सबसे टफ पार्ट है। क्लियर है सर? चलिए, तो अरुणाचल जीके के सर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, पिछली क्लासेस से स्टार्ट कर दिए थे। तीन लेक्चर मैंने लिए हैं, आज एक लेक्चर लेंगे, एक कल लेंगे। सैटरडे को क्लास नहीं चलेगा, सैटरडे को आपको सिट बैठ एंड रिलैक्स करना है ना, जितना कुछ पढ़ चुके हैं बस उसी का रिविजन मारिए फॉर द पर्पज ऑफ सैटरडे। अभी जीके का क्लास चल रहा है, इसके बाद 9 PM पे आपका क्या कहते हैं मैथ्स का क्लास चलेगा, ठीक है? ओके सर, तो एक बार देख लेते हैं पुराने क्वेश्चंस जो पिछली तीन क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा, ये डिस्कस किया था हमने पिछली क्लासेस में, इसका आंसर क्या होगा? बी, हाँ, इसका आंसर किने बिना था। ओके सर, 40 क्वेश्चन तक हो गए थे पिछली क्लास में, आपको याद हुआ। लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा बताया था मैंने आपको? लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया डिस्कस किया था, डोला सादिया ब्रिज था। अब देखो, रटने वाला चीज में मत पढ़ो, बस आप जो पढ़ चुके हैं ना रोशनी जी, बस उसी को रिवाइज करो, जितना हो गया वो हो गया, अब सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो, कुछ नए के चक्कर में मत पढ़ो अभी आप ना, और डीज एंड डीट्स को रटो मत, जितने याद है उसको बस रिवाइज कर लो अभी आप। एशिया सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री, ये भी देख लिया था क्या? ये बता दिया था मेरे ख्याल से मैंने ना, एशिया सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। कितने हो गए थे सर? नहीं, मुझे लगता है अभी हम यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 तक हुआ था, 40 नहीं हुआ था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था, वही मैं, ये अभी नॉस्टैल्जिया नहीं हो रहा उन क्वेश्चन में ना। हाँ, तो ये 29 लास्ट क्वेश्चन ये देखा था, कोई बता भी नहीं रहा। War monument built with stone by the Adis to fight against the Britishers in 1894 AD. Question number 30 का आंसर क्या था? कल इसको डिस्कस किया था, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 था। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर वाज बोंगल या फ्लू। ऑल राइट, चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 डैश वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अरुणाचल रत्न अवार्ड, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये अब जो क्वेश्चन नंबर 31 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये एमटीएस में आया था, जो जनवरी में एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।
हाँ, वो आज अ फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अरुणाचल रत्न अवार्ड। करेक्ट आंसर इज बोम्तो कामदक। बोम्तो कामदक जी वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अरुणाचल रत्न अवार्ड। ये अभी हाल फिलहाल भी शुरू हुआ है, ठीक है। ये आपका 2016 में स्टार्ट हुआ था। इंडिपेंडेंस डे 2016 से अरुणाचल गवर्नमेंट ने एक अरुणाचल रत्न अवार्ड स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ऐसा पुराना अवार्ड है नहीं। तो इस अवार्ड के लिए जो पहले पर्सन जिनको सिलेक्ट किया गया वो थे बोम्तो कामदक जी, ठीक है, जो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल से लड़ते हुए उनकी डेथ हुई थी। ही वाज द डीएसपी एट दैट टाइम, ठीक है, हु लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ फायर विद क्रिमिनल्स इन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उसी लिए सरकार ने 2016 में उनको अरुणाचल रत्न अवार्ड दिया था। एंड ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू गेट द अरुणाचल रत्न अवार्ड। और किस किस को सर ये अवार्ड मिला है? तो देखो, मैंने जितना डिटेल निकाली है उसके हिसाब से अभी दो लोगों को और मिला है। 2021 में मेजर रालिंगनाव बोब खातिंग जी को मिला है। इनके बारे में पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर आपका, ठीक है। और दूसरे आपके जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो चीफ काउंसलर बन पहले चीफ एडमिन कमिश्नर थे, फिर आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर बने के ए राजा, उनको 2022 में अरुणाचल रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये दो पर्सनालिटीज और हैं जिनको ये अवार्ड मिले हुए हैं। बाकी अरुणाचल में और कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? एक आईएफसी एसएपी रत्न अवार्ड है, एक राष्ट्रीय गौरव अवार्ड है, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। ये तीन अवार्ड्स भी अरुणाचल में दिए जाते हैं। तो जब अवार्ड्स की बात हो रही थी तो अपन ने ये तीन अवार्ड्स जो और एक्स्ट्रा में आपको दिए जाते हैं उसको भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इस साल, दो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अरुणाचल अवार्ड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इट वॉज बोन तो काम। चलिए सर, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दिस न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड इन 2012 वाज कार्व्ड आउट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 32, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। यानी पहले तो आपको वो डिस्ट्रिक्ट इमेजिन करनी पड़ेगी जो 2012 में बनी, ठीक है। और फिर आपसे वो पूछ रहा है, मतलब सवाल कुछ इस तरह का है कि अपने मन में वो डिस्ट्रिक्ट इमेजिन करो जो 2012 में बनी। मान लो डिस्ट्रिक्ट एक्स थी जो 2012 में बनी। अब वो डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से बाइफरकेट होके बनी तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ, ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट से बाइफरकेट होके वो डिस्ट्रिक्ट बनी, मान लो वो डिस्ट्रिक्ट थी बाई। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है सर? बाई पूछ रहा है। वाह सर, मैथ्स का सवाल हो गया ये, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बाई पूछ रहा है। अरे दादा, 25 सर, 25 डिस्ट्रिक्ट टोटल, ठीक है। दिस न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर्मड इन 2012 वाज कार्व्ड आउट ऑफ। ओके, हाँ, तो करेक्ट आंसर तो तिरप है। कैसे है? देखो, ये जो डिस्ट्रिक्ट 2012 में बनी है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है सर? लोंगडिंग। 2012 वाली वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? लोंगडिंग। और लोंगडिंग किससे बाइफरकेट होके बनी? तिरप से। तो 1965 में, पिछली क्लास में भी हमने बात किया था, 1965 में पांच डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पांच डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, कामेंग, सुबानसिरी, ठीक है, लोहित, एक आपका तिरप। एक और डिस्ट्रिक्ट मिस हो रही है, कौन सी मिस हो रही है बताइए? चार के नाम मैंने बता दिए, कामेंग, सुबानसिरी, लोहित, तिरप। एक और मिस हो रही है, कौन सी मिस हो रही है? तो तिरप जो थी उसके दो पार्ट बांटे गए, चांगलांग और लोंगडिंग। सॉरी, तिरप, तिरप को दो पार्ट में 1960 वो सॉरी हाँ 1965 में तो आपका तिरप बना था। तिरप के ये 1965 नहीं होगा, ये आई थिंक आगे 1980 था। तो ये उसको दो पार्ट में बांटा गया, चांगलांग और तिरप में, और तिरप का फर्दर डिवीजन हुआ इन तिरप एंड लोंगडिंग इन 2012, ठीक है। हाँ जी, जो पांचवा डिस्ट्रिक्ट है दैट इज सियांग। तो सियांग, कामेंग, सुबानसिरी, लोहित, तिरप, ये पांच डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी। तो ये तिरप से ही आपका चांगलांग अलग हुआ है,
और इसी तिरप से फिर आगे आपका लॉन्गडिंग भी अलग हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बाइफर्केशन होता गया है। तो लॉन्गडिंग वाला एरिया आपको वहां पर वांचो ट्राइब के लोग देखने को मिल जाएंगे, पटकाई रेंज का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका तिरप में देखने को मिलेगा। अच्छा, एक एरिया है तिरप में लॉन्गडिंग में, पोंगचाओ एरिया, ठीक है। ये एरिया का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, द एरिया हैज मोटरेबल रोड अप टू पोंगचाओ इन लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये पूछ सकता है कि पोंगचाओ एरिया कहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जगह पर देखने को मिलता है, तो दैट इज योर लॉन्गडिंग। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, एमटीएस का क्वेश्चन था, दिस न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर्मड इन 2012 वाज कार्व्ड आउट ऑफ। तो 2012 में कौन सी डिस्ट्रिक्ट बन रही है? लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट बन रही है, और ये लॉन्गडिंग किससे बन रही है? तिरप से बन रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तिरप होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है कि नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। तो समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे उसने घुमा के पूछा है। लेकिन मैंने आपसे पिछली 3 क्लासेस से कहते आ रहे हैं, अभी भी कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके एक बार उसका जो टूरिज्म सेक्शन है उसमें एक सेक्शन मिलेगा प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, उसको जाके जरूर एक बार देख लीजिए। हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन उससे बन रहा है जनरली, ठीक है। अच्छा, सॉन्ग भी है तो होना भी चाहिए सॉन्ग, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। के ए ए राजा वाज द फर्स्ट डैश ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब सर ये तो क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है, मैं पिछली 3 क्लासेस से कई बार ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1972 में अरुणाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी, और इसका जो हेड था उसे हम कहते थे, वो कौन कंट्रोल करता था? चीफ कमिश्नर, ठीक है। उस टाइम एक प्रदेश काउंसिल चलती थी, फिर 1975 में यूटी तो था बट वो प्रदेश काउंसिल क्या बन गई? लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, और जो चीफ कमिश्नर थे वो बन गए लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जो चीफ कमिश्नर थे, और चीफ कमिश्नर कौन थे सर? के ए ए राजा, ठीक है, के ए ए राजा। उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैंने कई लोगों के टेस्टिमोनियल्स पढ़े, उसमें उन्होंने लिखा है कि हाँ के ए राजा ने, मतलब उस टाइम वो अरुणाचल के लोगों को समझते थे, तो उनका रहना काफी बड़ा योगदान रहा था। और उन्हीं के टेन्योर में आप देखोगे कि अरुणाचल बिकेम द यूनियन टेरिटरी, और लेजिस्लेटिव असेंबली भी उन्हीं के टेन्योर में आपको देखने को मिल रहा है। तो ही वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बाकी 1987 में फिर फुल स्टेटहुड बन जाएगा, तो 87 में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजिशन थी वो क्या बन जाएगी? गवर्नर की पोजिशन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर के ए राजा देख लेते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी 15 अगस्त 1975, इनॉग्रेटेड बाय होम मेहता, ठीक है, होम मिनिस्टर से उस टाइम के। जो चीफ कमिश्नर की पोजीशन थी उसी को अपग्रेड कर दिया गया था टू द पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड के ए राजा द देन चीफ कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज सॉन इन एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन 15 अगस्त 1975। और जो चीफ काउंसलर थे, जो प्रदेश काउंसिल चलती थी उसमें कौन होते थे? काउंसलर्स होते थे। वही काउंसलर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या बन गए थे? मिनिस्टर्स बन गए थे, ठीक है। तो ये चीज मैं पिछले 3 क्लासेस में कई बार रिपीट कर चुका, उम्मीद है आप लोगों को इसी क्लास में चीजें याद हो चुकी होंगी अभी तक इससे रिलेटेड ना। चलिए, मेहता कमीशन अलग है, वो आपका जो 3 टायर जो आपका लोकल गवर्नेंस का सिस्टम आया है ना, तो उसके लिए रिकमेंडेशंस दिया था मेहता कमीशन ने। तो वो नेशनल लेवल पे जो वो 73rd 74th अमेंडमेंट आया है ना 1992 का, तो उस अमेंडमेंट से पहले रिकमेंडेशंस ली गई थी, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशंस बनाए थे, तो उसमें से एक मेहता कमीशन था। 33 क्वेश्चन नहीं समझे इसमें क्या था? सवाल यह है कि के ए राजा क्या थे, के ए राजा क्या थे, फर्स्ट क्या थे वो सर? तो ये तो मैं पिछली 2 क्लासेस से बताते हुए आ रहा हूँ। 1975 में जब अरुणाचल प्रदेश को अपनी पहली लेजिस्लेटिव असेंबली मिली, तब के ए राजा बन गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है ना। तो के ए राजा वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश,
फर्स्ट गवर्नर बीएन आपका आई थिंक भीष्म नारायण सिंह थे। तो फर्स्ट गवर्नर, ये सारी जो पूरी लिस्ट है मैंने अरुणाचल जीके की पीडीएफ में ऑलरेडी दे रखी है ना, तो वहां से आप देख सकते हैं। फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट सीएम, सेकंड गवर्नर, सेकंड सीएम, पूरी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, रमाशंकर जी समझ गए कि नहीं समझे? फिर आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। ये तो सर आसान है, अरुणाचल प्रदेश बिकेम आई स्टेट फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी इन। देखो सर एमटीएस में पूछा है ना, अब ये सर क्वेश्चन अगर आपको नहीं बन रहा है तो सर दिक्कत वाली बात है। और इसी तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, देखो तो एग्जाम में कुछ टफ आते हैं तो इस तरह के आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, ये समझो। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो आपसे इजिली बन जाएंगे। स्ट्रेस लेने से होता क्या है, जो इजी होते हैं ना वो भी छूट जाते हैं, वो भी नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अरुणाचल बिकेम ए स्टेट फ्रॉम ए यूनियन टेरिटरी इन। बिल्कुल सर, 1987। तो 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल क्या बना था सर, यूनियन टेरिटरी बाय द नॉर्थ ईस्ट एरिया रिओर्गेनाइजेशन एक्ट। फिर 1975 में जो प्रदेश काउंसिल थी वो बन गई प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। और 20 फरवरी 1987 में जो यूटी थी अरुणाचल प्रदेश की, दैट वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अमेंडमेंट याद रखना, 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 इसके लिए हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ई, ठीक है, इट इज 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, नेहरू वन उद्यान इज सिचुएटेड एट। अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे एक बार जाके उस पे प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ लीजिए, वो इसीलिए कह रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चंस। नेहरू वन उद्यान इज सिचुएटेड एट, एम उजिंग जी। मैक्सिमम जो लोग बोल रहे हैं ना, आप मेरे को एक बार बता देना कौन बोल रहा है और कहाँ लिखा है 26, आप मेरे को ये बता देना, मैं आपको उसके लिए एविडेंसेस दे दूंगा। आगे मैंने एक पेज भी, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन .gov.in, उसके क्लिपिंग भी मैंने आगे ऐड की है, उसमें भी 25 डिस्ट्रिक्ट लिखा है। अब सर या तो फिर आप कह रहे हो कि सरकार झूठ बोल रही है, तो अगर सरकार झूठ भी बोल रही है तो भी आपको सच मानना है, क्योंकि पेपर सरकार बना रही है ना। तो जो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं ना, मेरा बहुत ना इसमें पागल हो गया हूँ कि वही चीज बार बार समझाने पे बार बार पूछी जा रही है। या तो फिर मेरे को कोई बताए कि नहीं ये एविडेंस है, ये सोर्स है, कोई सोर्स भी कोट नहीं कर रहा, बस बोल रहे हैं कि सर वो कह रहा है, कौन कह रहा है, एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर दो। आपको जो भी लग रहा है ना कि कहीं पर आपको लिखा देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट गूगल, ठीक है, एक्सेप्ट गूगल और बायजू, वो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट गूगल या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में लिखा मिले, उसके अलावा आपको कोई गवर्नमेंट सोर्स में अगर लिखा मिल रहा तो मेरे को एक बार इन्फॉर्म करना। ठीक है, मैं देखो मेरे को नहीं पता 25 है कि 26 है, मैं वही बता सकता हूँ जो सरकारी डेटा में लिखा है, और सरकारी डेटा में ये लिखा है। ठीक है ना, नहीं तो फिर ज्यादा कंफ्यूजन है तो भैया एक ही तरीका है, आप अपने सीएम साहब से डायरेक्ट फोन करके पूछ लो, वो खुद क्लियर कर देंगे। ट्वेंटी 28 या 29 स्टेट्स है, कल संडे को एग्जाम है, अभी आप यही क्वेश्चन कर रहे हो। 28 या 29 स्टेट्स हैं, बहुत सही, कल गिन के बता दूं, 28 है कि 29 है, 28 है सर, 28। ठीक है, नेहरू वन उद्यान सिचुएटेड है पासीघाट रोइंग भालुकपोंग क्यों। हाँ ये सर आपको रोइंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, रोइंग में, ये वही मैं जो वेबसाइट से बता रहा हूँ ना, एग्जैक्टली वेबसाइट से उठाई हुई चीज है ये। तो नेहरू वन उद्यान फ्रॉम द रोइंग टाउनशिप 1 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली है मेरे को, ये शायद पूछ लें, दिस प्लेस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर एजे एंड एमी। हो सकता है लोकल लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन और कुछ हो, उसके लिए मैं पहले माफी मांगता हूँ। ठीक है, लेकिन जब मेरे को लोकल लैंग्वेज का आइडिया नहीं है तो मैं जो लिखा है वही पढ़ूंगा।
कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर एजे एंड एमे, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पर आपका ये रोइंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेहरू वन उद्यान से थोड़ी दूर ये जगह है। तो अगर आपसे पूछे कि रिवर एजे और एमी किधर मिल रहे हैं, तो रोइंग के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। इसना इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी एक योंगू रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे क्या देखने को मिल रहा है वो अभी पूछ लिया था ना एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड है ये। अरे तो अब ऑप्शन में तो डालना ही पड़ेगा ना। चलो, ये तो एपीएसएसबी वालों के ऑप्शन है, मैंने नहीं बनाया, वो सब उन्हीं का बनाया। ये बस ये जो कंटेंट है ये मैंने इधर उधर से अरेंज किया है। ठीक है, ये भी वही वेबसाइट से उठा है ना, मैंने खुद नहीं टाइप किया है ये, वही मैं जो बता रहा हूँ ना वेबसाइट से उठ के आ रही है चीज है, जो ये वही वेबसाइट से उठाया है मैंने। रोइंग की वेबसाइट पर चले आना, ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। इन 1965 अरुणाचल प्रदेश हैड, देखो हाँ ये भी मैं कई बार अब रिपीट कर चुका हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में, मैं बताया था ना 1965 में आपका 5 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुई थी। ठीक है, 1965 में 5 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुई थी, तो वो पांच, हाँ मैंने बता ही दिया 1965 में कितनी डिस्ट्रिक्ट बनी थी, 5 डिस्ट्रिक्ट बनी थी। पहले क्या होते थे सर, फ्रंटियर डिवीजन होते थे, है ना, उससे पहले फ्रंटियर डिवीजन होते थे, यानी जो नेफा वाला एरिया था। ठीक है, नेफा वाला एरिया था वो किस में डिवाइडेड था, फ्रंटियर डिवीजन में डिवाइडेड था। जैसे 1954 में आपका नेफा बना, पहले तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक बना था, फिर उसके बाद उसी को बदल के कर दिया था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो जो नेफा वाला एरिया है उसी को पांच, मेनली 6 पार्ट में बांटा गया था। ठीक है, जनरली 5 आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो कामेंग फ्रंटियर डिवीजन बना था, है ना, फिर एक सुबानसरी फ्रंटियर डिवीजन बना था, फिर एक सियांग फ्रंटियर डिवीजन था, एक लोहित फ्रंटियर डिवीजन था, एक तिराप फ्रंटियर डिवीजन था, और एक यूनसांग फ्रंटियर डिवीजन था। ठीक है, फिर जो यूनसांग फ्रंटियर डिवीजन था उसको जो नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट थी उसमें मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, आसाम का, तो फिर अरुणाचल में ये 5 ही आपका फ्रंटियर डिवीजन बचे थे। यूनसांग को हटा दो तो कामेंग, सुबानसरी, सियांग, लोहित और तिराप, तो इन्हीं फ्रंटियर डिवीजन को 1965 में कन्वर्ट कर दिया गया था 5 डिस्ट्रिक्ट में, कामेंग, सुबानसरी, सियांग, लोहित, तिराप। ठीक है, देखो मैं गूगल पे रिलाई नहीं करता। देखो गूगल क्या बता रहा है, गूगल खुद कुछ नहीं बताता है, गूगल जो भी बताता है उसके सोर्स की तरफ आप जाओ, आप सोर्स को कोट करो। ठीक है, आप सोर्स को कोट करो सर। देखो एक बात मैं बता दूं, कल मैंने मान लो 10 वेबसाइट बना दी। ठीक है, और 10 वेबसाइट पे मैंने एक काइन रोमे नाम की प्रोफाइल बना दी और लिख दिया काइन रोमे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, गूगल के एल्गोरिदम तो ऐसी है ना, मैंने मान लो 10 से 100 वेबसाइट बना दी, वहां लिख दिया काइन रोमे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कल कोई भी काइन रोमे को सर्च करेगा तो गूगल क्या दिखाएगा, कि काइन रोमे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर आप, फिर कोई आके कहेगा सर गूगल पे तो मैं कहूंगा मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो कल कोई आके कहेगा काइन रोमे प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो गूगल पे यकीन नहीं करो, गूगल क्या है, गूगल किसी वेबसाइट से डेटा लेके बता देता है, लेकिन वो वेबसाइट कितना क्रेडिबल है, वो वेबसाइट कितना जेन्युइन डेटा दे रही है, उस पे सवाल है ना सारा, उस चीज को आप समझो। आने वाले में दिन में हो सकता है, मैं वही तो डिमांड कर रहा हूं, अगर आप लोगों को लग रहा है ईटानगर इज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट या सेपरेट डिस्ट्रिक्ट होने वाला है,
तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में तो उसका कोई जिक्र आया होगा ना, तो मेरे को वो न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल भेज दो, ठीक है, तो भी काफी हो जाएगा। मैं इसको एक जगह पे चेक नहीं किया हूं, मैं इसको क्या कहते पापम पारी की वेबसाइट पे चेक किया, ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स की वेबसाइट पे चेक किया, उसमें लिखा है इट लाइज इन पापम पारी डिस्ट्रिक्ट। तो अगर ईटानगर डिस्ट्रिक्ट है तो वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे आ जाएगा? फिर मैंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्लॉग था, उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंट करे, 25 डिस्ट्रिक्ट थे। फिर मैंने अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की वेबसाइट पे देखा, उसपे भी 25 डिस्ट्रिक्ट थे, और मैं कहाँ कहाँ से देखू, ठीक है ना। फिर भी देखो, मैं फिर भी ओपन टू डिस्कशन हूँ चीजों को लेके, मैं ये नहीं कहता हूँ ऐसा ही होगा, मैंने ये बता दिया कि मैंने कहाँ कहाँ सर्च करा और मेरे हिसाब से ये है, बाकी फिर भी वो मानना ना मानना आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि 25 नहीं 26 है, तो कहीं कोई आर्टिकल आया होगा, कहीं कोई सोर्स आया होगा, वो मेरे को रेफर कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया ओवर वाटर, क्वेश्चन नंबर 37, बताइए जरा। डैश इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया ओवर वाटर, दिबांग धौला सादिया नारायण सेतु बोगीबील। ओके सर, करेक्ट आंसर इज धौला सादिया, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन नो अबाउट इट, ठीक है। ये आपका देखो, ये अरुणाचल जीके से उठाया हुआ, ये मेरी अरुणाचल जीके की पीडीएफ का कंटेंट है, ठीक है। तो ये लोहित रिवर पे आपको ये ब्रिज देखने को मिलेगा इस तरह से, ये आपका मेनली दो स्टेट्स को कनेक्ट करता है, ये इधर ये आसाम, इधर ये अरुणाचल, ठीक है। तो ये दो स्टेट्स को आपको ये कनेक्ट करने को देखते हुए मिलेगा, ये इधर सादिया इधर ढूला है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये ब्रिज है ओवर द रिवर लोहित, ठीक है। इसको भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं, सेतु इज अ हिंदी वर्ड और सेतु का मतलब होता है ब्रिज, सेतु का मतलब होता है ब्रिज, तो भूपेन हजारिका सेतु भी इसको कहा जाता है। तो ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ये दो स्टेट्स को भी ये कनेक्ट करता है, 2017 में इनॉग्रेट किया गया था, और ये लोहित रिवर के ऊपर ये बना आपका ब्रिज है, ठीक है। तो जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आपका धूला आता है, तो ये उसको किससे कनेक्ट करता है, सादिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो दो तीन फैक्ट इसमें पूछे जा सकते हैं, एक तो पूछ सकता है भूपेन हजारिका ब्रिज किसे कहते हैं, पूछ सकता है धूला सादिया ब्रिज किस रिवर पे है, पूछ सकता है ये कौन से दो स्टेट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह के रैंडम बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 38 लो, अगला, एप्पल ऑर्किड इज लोकेटेड एट दिस प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर तवांग पापम पारे शेरगांव, बताइए सर। लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उससे कर लीजिएगा। हाँ जी, एप्पल ऑर्कर्ड इज लोकेटेड एट दिस प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये एप्पल ऑर्कर्ड वाला शायद हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किया था, ये रिपीट हुआ है, हाँ रिपीट हुआ है, तो ये आपका रिपीट हुआ है क्या? शायद ये पहले भी, मतलब रिपीट इन द सेंस पिछले भी किसी एग्जाम में आया है। तो शेरगांव में आपका एप्पल ऑर्कर्ड देखने को मिल रहा है, तो ये शेरगांव कहाँ देखने को मिलेगा सर आपका, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है शेरगांव? हाँ जी, क्वेश्चन मेरा रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये पीवाईक्यू के सवाल है ना, तो अगर किसी दो एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया होगा तो वो इसमें भी रिपीटेशन दिखेगा आपको। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
पिंकी आप धीरे धीरे पूरा एड्रेस बताए दे रहे हो ना, सबको पहले वेस्ट कामेंग बताया, आप बता दिए शेरगांव, ठीक है। सो ये कहाँ पर है आपका? वेस्ट कामेंग में। वेस्ट कामेंग कैसे बना? तो पहले कामेंग बना था, वही जो 1965 में 5 डिस्ट्रिक्ट बने कामेंग बना, 1980 में फर्दर डिवीजन हुआ, एक ईस्ट कामेंग बनता है, एक वेस्ट कामेंग बनता है, ठीक है। इस वेस्ट कामेंग का फर्दर एक डिवीजन होगा 1984 में, जहां पर आपको तिब्बत का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तिब्बत बना, सॉरी ये फिर तिब्बत लिख गया, इट इज तवांग, ठीक है, इट इज तवांग, ठीक है ना। चलो जी, ये पहले फ्रंटियर ट्रैक्ट होते थे ना, एक सादिया फ्रंटियर ट्रैक्ट, बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक्ट, उसकी भी हम कभी आराम से चर्चा करेंगे, है ना। तो ये आपका बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक्ट का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। चलिए, और जो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट है वेस्ट कामेंग में, और जो मेजर ट्राइब्स है, वो भी पूरी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है कल पूछ ले, बताइए सर रूपा केव्स किस डिस्ट्रिक्ट पे देखने को मिलती है, ऐसे क्वेश्चन बन गए तो यही से सवाल बनेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। दिस इज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, दिस इज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, चिलीपाम, तवांग, चांगलांग, नंगोतिस, बताइए सर। बिल्कुल सर, लार्जेस्ट तो आपको तिब्बत में देखने को मिलेगी, जो सेकेंड लार्जेस्ट है या कह लो इंडिया की लार्जेस्ट है, तो दैट इज योर तवांग, ठीक है। तो तवांग मोनेस्ट्री इंडिया की लार्जेस्ट है और एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट है, इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ लासा तिब्बत, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंड इट वॉज द एक होली साइट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इट वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ द सिक्स्थ दलाई लामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पिछली क्लास में याद है स्टेट बर्ड पढ़ा था, हॉर्नबिल, इस बार सवाल किस पे आ गया? स्टेट एनिमल, ठीक है। हाँ जी, तो ये तो सर खाता खोल देने वाला सवाल है, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या ही बताऊं, ये तो मिथुन है सर, सब जानते हैं। अच्छा ये सब जानते हैं कि स्टेट एनिमल मिथुन है, स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल है, स्टेट ट्री फॉलोंग है, स्टेट फ्लावर फॉक्स टेल ऑर्चिड है, स्टेट बटरफ्लाई केसर हिंद है। इनका साइंटिफिक नेम नहीं पता किसी को, ठीक है, तो इनके साइंटिफिक नेम कई लोगों को नहीं पता होते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। बोस फ्रंटालिस, ब्यूसेरस बिकॉर्निस, डिप्टेरोकार्पस रिड्यूसर, श्रिंकोस्टिलिस रिड्यूसर, ठीक है। तो इनके साथ ही साथ आपको क्या याद रखते हैं? साइंटिफिक नेम भी याद रखते हैं। चलिए तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 41 पे। अरुणाचल प्रदेश कंसिस्ट ऑफ टोटल डैश लोकसभा सीट्स। हाँ अभी मिथुन को तो फूड एनिमल का भी टैग मिल गया, अभी ये भी करंट अफेयर्स में था ना, डिस्कस किया था हमने करंट अफेयर्स में। अरुणाचल प्रदेश कंसिस्ट ऑफ टोटल हाउ मेनी लोकसभा सीट्स, बताइए। बहुत बढ़िया बांधू जी, बिल्कुल सर, दो लोकसभा सीट है, दोनों लोकसभा सीट से लोकसभा मेंबर्स का नाम बताइए। दो लोकसभा सीट से, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों लोकसभा सीट से जो लोकसभा मेंबर्स हैं उनका नाम बताइए। हाँ जी, ये तो सर एक झटके में सब बता देते, उसमें ऑप्शन क्या लोगे? अरे मैं लोकसभा मेंबर्स का नाम पूछ रहा हूँ, वो नहीं पूछ रहा हूँ ईस्ट और वेस्ट, वो तो पता ही है ईस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो दोनों लोकसभा मेंबर्स कौन कौन है आपका? अरुणाचल वेस्ट से हैं किरण रिजिजू जी, और अरुणाचल ईस्ट से कौन है? तापिर गाव जी, ठीक है। तो दोनों के नाम ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा मेंबर्स के नाम, ठीक है।
ये भी पूछ सकता है करंट में लोकसभा मेंबर्स कौन है। चलो क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। अरुणाचल प्रदेश वास फॉर्म्ड एज ए यूनियन टेरिटरी इन। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है ये 41 42 ये सब किस में आए थे? ये एपीएसएसबी कुछ डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कराता है। ये जैसे ये एग्जाम कराया गया था जीएसए के लिए, जॉइंट सेक्रेटरी असिस्टेंट आई थिंक ये पोजीशन का नाम था, ठीक है। तो ये इनके भी जो पेपर्स हुए थे इनके थोड़ा सा अलग होते हैं, इसमें ऑफिस के भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसके भी जो पेपर्स हैं वो भी एपीएसएसबी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, तो उसपे मुझे जीके के क्वेश्चन दिख गए तो मैंने इनको भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये यूटी बना अब तो सर ये कितनी बार, मतलब ये तो रट जाना चाहिए अब तक तो 1972 में, ठीक है। तो 1972 में इट वाज फॉर्म यूटी, तो 20 जनवरी 1972 को डिक्लेयर किया गया था अरुणाचल प्रदेश को क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी। और ऑफिशियली जो पब्लिकेशन हुआ है, जो गैजेट नोटिफिकेशन जिसके बाद एक्टिव होती है चीजें, तो गैजेट नोटिफिकेशन आया था 21 जनवरी 1972। तो 1986 से पहले पहले जो 20 जनवरी है उसको अरुणाचल डे सेलिब्रेट किया जाता था, क्योंकि 20 जनवरी को क्या बने थे सर, यूनियन टेरिटरी बने थे। फिर बाद में 1986 में अनाउंस हो गया कि भैया अब तो स्टेट बन गए, तो तब से जो स्टेटहुड डे है वो 20 फरवरी हो गया। अदरवाइज उससे पहले अरुणाचल डे कब सेलिब्रेट होता था, 20 जनवरी को, ठीक है। क्योंकि 20 जनवरी 1972 को इट वाज डिक्लेयर्ड दैट अरुणाचल प्रदेश विल बी अ यूनियन टेरिटरी, जिसका पहले नाम हुआ करता था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चलिए ठीक है आगे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 43, द हाईएस्ट हिल इन अरुणाचल प्रदेश इज सेला पीक, कैलिंगन माउंटेन, दाफा बम, कांगते माउंटेन। बताइए सर हाईएस्ट पीक कौन सा है? वेट अ मिनट, हो सीला पीक के भी सपोर्टर्स हैं बहुत खुद। माय गॉड, सीला पीक की तो फैन फॉलोइंग अच्छी है। वेल करेक्ट आंसर इट इज कांते, ठीक है। क्योंकि मैं अभी तक जितना पढ़ाया हूँ मैंने ज्योग्राफी में भी इसको डिस्कस किया है, तो कभी किसी ने सीला पीक का नाम नहीं लिया, सबने एक झटके में कांते बोला है। तो कांते हाइट इज 7090 मीटर, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट भी पूछ लेता है, जब उसका हाईएस्ट से मन भर जाता है उसे लगता है हाईएस्ट तो सबको पता होगा, तो वो सेकंड हाईएस्ट भी पूछ लेता है। तो कांते के बाद सेकंड हाईएस्ट पूछ लेता है दैट इज गोरी चेन, ठीक है। तो ये दो मेनली ध्यान रखना। अच्छा डिस्ट्रिक्ट को लेके बड़ा बवाल रहता है कि कांते वेस्ट कामेंग में है या ईस्ट कामेंग में। तो देखो जो माउंटेन पीक है उसको लेके बहुत ज्यादा हल्ला नहीं मचाना होता है, क्योंकि ये कई बार एक दो डिस्ट्रिक्ट के बीच के बॉर्डर पे लाई करते हैं, ठीक है। तो कांते आपका जैसे कोई भी माउंटेन पीक है, कई बार जैसे नेपाल माउंट एवरेस्ट है उसका कुछ हिस्सा इंडिया में भी आता है, कुछ हिस्सा नेपाल में भी आता है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, ये मतलब पॉलिटिकल बॉर्डर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसी तरह से कांते, तो इसको लेकर आपको कई जगह पर वेस्ट कामेंग भी लिखा मिल जाएगा, कई जगह पर ईस्ट कामेंग भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको लेकर इतना डिबेट नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में एज सच वो डायरेक्ट पूछने वाला भी नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट बताओ जरा, ठीक है। मैंने जितना देखा है मेरे हिसाब से तो वो वेस्ट कामेंग ही है, ठीक है। मेरे को जितना डेटा मिला उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो वेस्ट कामेंग है, तो यहाँ वेस्ट कामेंग लिख दिया। बाकी मैंने ये देखो बता दिया है कि दो बॉर्डर्स के बीच में भी, दो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स के बीच में अगर ये माउंटेन पीक लाई करेगा तो उस पर डिबेटेबल हो जाता है, ठीक है। तो उतना उसको सीरियसली मत लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अरुणाचल प्रदेश हैज अ टोटल ऑफ डैश रेलवे स्टेशन, ठीक है। कितने रेलवे स्टेशन है सर? अब नाइनजिंग वो से पूरा अरुणाचल में भी नहीं है ना, कुछ हिस्सा उसका तिब्बत में भी जाके लगता है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा अरुणाचल में ही लाई करता है, ये भी है।
अरुणाचल प्रदेश इज अ टोटल ऑफ हाउ मेनी रेलवे स्टेशन, बताइए जरा। तीन, बिल्कुल तीन रेलवे स्टेशन है, एक तो नाहरलगुन है, एक गुमतो है, एक भागलपुर। ठीक है, तो तीन है आपके साथ, नाहरलगुन भी है, गुमतो भी है, भागलपुर भी है, तीन रेलवे स्टेशन है अरुणाचल प्रदेश में। अगर नहीं पता तो ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ओल्डेस्ट भालुकपोंग को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, भालुकपोंग में भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45। तो ये क्वेश्चन ममंगदाई जी के बारे में है। ममंगदाई रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 2017 फॉर द नोवेल द ब्लैक बग, द ब्लू हिल, द ब्लू बर्ड, द ब्लैक हिल, बताइए सर। ममंगदाई जो एक जर्नलिस्ट हैं अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, उन्हें 2017 में क्या मिला था? साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। तो सवाल ये है, किस नोवेल के लिए मिला था? द ब्लैक बग, द ब्लू हिल, द ब्लू बर्ड, द ब्लैक हिल। काली पहाड़ी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हिंदी में जीना ही नहीं है ना, मतलब इंग्लिश में बात ही नहीं करनी है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख देते हो उसको ना, काली पहाड़ी, रोमन भी नहीं यूज करना। इट इज द ब्लैक हिल, ठीक है, द ब्लैक हिल। तो एक बार ममनदाई के बारे में देख लेते। शी इज एन इंडिजीनियस पोइट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जन्म हुआ था 23 फरवरी 1957 को। ठीक है, अच्छा एक चीज और थी, वो सिलेक्ट हुई थी आईएएस के लिए 1979 में, फॉर आईएएस शी वाज सिलेक्टेड। ठीक है, और इवन उस टाइम शी वाज द फर्स्ट विमेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू बी सिलेक्टेड फॉर आईएएस। आईएएस बनने के लिए पहली अरुणाचल प्रदेश की महिला वही थी, मामंगदाई, लेकिन उन्होंने वो पोजीशन छोड़ दी और उन्होंने जर्नलिज्म में अपना करियर बनाया। उन्होंने कहा मेरे को लिखने में ज्यादा मजा आती है, मेरे को कानून बनाना नहीं है, मेरे को जर्नलिज्म करना है। ठीक है, अपना अपना पैशन है, रेस्पेक्ट करना चाहिए। और सिर्फ उन्हें अभी साहित्य एकेडमी अवार्ड नहीं मिला है, 2011 में उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है 2011 में। और उसके अलावा वैरियर एल्विन प्राइज, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उन्हें वैरियर एल्विन प्राइज भी दिया था 2013 में, फॉर हर बुक, बुक का नाम क्या है सर, अरुणाचल प्रदेश द हिडन लैंड। इस बुक के लिए उनको वैरियर एल्विन प्राइज भी मिल चुका है। तो देखो यहाँ पर सवाल था साहित्य एकेडमी अवार्ड से रिलेटेड, लेकिन हो सकता है आगे कभी पद्मश्री पूछ ले कि वो कब मिला, या पूछ ले उन्हें कि आपका वैरियर एल्विन प्राइज कब मिला, तो उसको भी ध्यान रखना। और ये सवाल था साहित्य एकेडमी अवार्ड के रिलेटेड, तो साहित्य एकेडमी अवार्ड उन्हें 2017 में मिला है उनकी नोवल द ब्लैक हिल के लिए, जो उन्होंने 2014 में लिखी थी। तो उन्होंने जो जो भी उनका फिक्शनल वर्क है, नॉन फिक्शनल वर्क है, उनकी पोइट्रीज हैं, वो सब यहाँ पर एक पूरा मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर, चलिए, तो ब्लैक हिल के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था मामंगदाई जी को। ऑलराइट सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है तो सर गिव मी अ थम्स अप। ऑलराइट, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक तो एक तरीके का रिपीट ही रही है। इज द डैश इज द फर्स्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन अ सीजन। मैं पिछली क्लास में पूरी लिस्ट बना दिया था, तीने मीना के बारे में, आंशु जामसेंपा के बारे में, ठीक है, पूरी लिस्ट बना दिया था किसने क्या क्या किया है।
तो दैट इज द फर्स्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन अ सीजन। ठीक है, ये लिस्ट इसीलिए दिया था कि अगर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है तो दूसरा पूछ ले तो भी आप बता पाओ। बिल्कुल सर, ये कल कल पढ़ा था। देखो तीने मीना के बारे में देख लिया था, फर्स्ट वीमेन फ्रॉम अरुणाचल टू रीच माउंट एवरेस्ट। ताशी यांगजोम फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट इन 2021। तो 2021 में उनका नाम आ गया था ताशी यांगजोम जी का। ठीक है, तो वो पूछ लेता है कभी कभी, ताशी यांगजोम जी पे सवाल पूछे, इसलिए मैंने उनका यहाँ पर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, आंशु जामसेनपा, उनका क्या रिकॉर्ड है, फर्स्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन अ सीजन। उसके अलावा उसके अलावा किसी ने कल पिछली बार कहा था फर्स्ट विमेन तो बता रहे हो सर, फर्स्ट मैन तो बताओ। हाँ, तो फर्स्ट मैन ये कह लो, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरुणाचल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो ही वाज तापी मीरा जी। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ट्वाइस इन अ 5 डेज, ये एक बड़ा चैलेंज था, तो तापी मीरा जी का भी नाम ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर है आंशु जामसेनपा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो करा करा फील होगा, इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा था सर? ढोला सादिया ब्रिज लॉन्गेस्ट है। इट कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद, ये अरुणाचल को किससे कनेक्ट करता है सर? जो ढोला सादिया ब्रिज है ये अभी अभी देखो सर पढ़ गया है, जस्ट अभी है ना, थोड़ी भी अगर आंख खुली होगी तो बता दोगे सर इसका आंसर था आसाम, है ना। ये ढोला सादिया ब्रिज अभी मैंने बताया था, पूछ सकता है कि किसको कनेक्ट करता है सर, आसाम और अरुणाचल को कनेक्ट करता है। भूपेन हजारिका सेतु कहते हैं, लोहित नदी पे बना है, डोला आसाम में है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश? व्हाट इज द फर्स्ट फुल लेंथ फिल्म फीचर फिल्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश? मिशिंग सोनम, मोना औत मुखारवी दे लिंग जी, बताइए जरा। हाँ, पिक्चर के मामले में सर गलती नहीं करेंगे, पिक्चर बता देंगे सर, पिक्चर देखने बहुत शौक है। करेक्ट आंसर इज सोनम। ठीक है, द फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इज सोनम द फॉर्चुनेट वन। ठीक है, डायरेक्टर का भी नाम याद रख लेना, एहसान माजिद, पूछ सकता है ना, एहसान मजीद बाजा डायरेक्टर, तो हो सकता है कभी डायरेक्टर पूछ ले। जैसे भूपेन हजारिका एक बहुत ही आप फेमस डायरेक्टर रहे हैं, तो उनका नाम पूछ लेता है, जिनके नाम पे भूपेन हजारिका सेतु बना है। तो अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट हिंदी फीचर फिल्म जो बनी थी वो था मेरा धर्म मेरी माँ, मतलब लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज में थी, मेरा धर्म मेरी माँ ये अरुणाचल प्रदेश की मूवी थी, बट ये हिंदी में थी, ये 1976 में बनी थी। ये किसने बनाई थी? भूपेन हजारिका ने बनाई थी। अब ये जो मूवी बनी है सोनम द फॉर्चुनेट वन, ये आपका तवांग वाली एरिया में बनी है। एक तो सबसे बड़ी बात, तवांग वाली एरिया में शूटिंग करना आसान बात नहीं है, वहां पे इसकी शूटिंग हुई, डायरेक्शन हुआ, तो ये मूवी आपका मोनपा डायलैक्ट पे देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं सर, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग फिर अगली क्लास में करेंगे। तो लेक्चर यहाँ तक अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ इसे शेयर कर देंगे, ठीक है ना सर, किसी को कोई डाउट होने से पूछ लेगा। अरे ऐसा कोई वो थोड़ी ना कि हमें रिकॉर्ड बनाना है, उतना करना है कि हेल्दी डिस्कशन मेंटेन रहे, क्योंकि अभी फिर क्या है, अभी मैथ्स का भी क्लास है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर उसमें भी टाइम दबाओगे। ये कोई वो नहीं चल रहा है कि सर ये क्या कहते हैं बारबेक्यू की पार्टी की, जितना ठूस सकते हो उतना ठूस लेना है, हेल्दी डिस्कशन चलना चाहिए ना। इसके आगे फिर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन भी टिल क्वेश्चन नंबर 53 ऑलरेडी मैंने पीडीएफ में ऐड कर दिए हैं, और भी आज ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब तो सर लोग जा रहे हैं, ठीक है, अब तो चले गए, तो कुछ लोग चले गए, तो अभी अगला क्वेश्चन करना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जैसे मैं कहता हूँ ना आज इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 41 फोटो चेंज कर दिएगा, ये भैया मैंने फोटो नहीं लगाई है, ये कह रहे हैं क्या आप मिजिंग जी?
ये एक्चुअली ये एक वेबसाइट से उठाई है मैंने, चेक कर लूंगा अगर फोटो में दिक्कत हुई तो, रात भर पढ़ा हूँ। मेरा बेहोश करने वाला काम नहीं है मेरा, ठीक है। मीजिंग जी मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर देना है ना, आप जो भी कहना चाहते हैं मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है सर। तो अगली क्लास के लिए होमवर्क लिख लो कि पहला अरुणाचल प्रदेश का न्यूज़पेपर कौन सा था, वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे ना, ठीक है सर, गुड बाय।